चलिए, वॉलेट फ्रेमवर्क के हमारे 4 लेवल्स होते हैं, तो आज हम लेवल 1 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वॉयलेट फ्लेम रेकी के अंदर हमारे 9 सिंबल्स होते हैं टोटल। हम लोग जब ये रेकी सीखेंगे, वॉयलेट फ्लेम रेकी, जिसमें कि हम लोग पूरा, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, सब लोगों को क्लियर? यस मैम। जब हम पूरा सीखेंगे तो हम इसके अंदर टोटल 40 सिंबल्स को हम इसके अंदर सीखेंगे। इस रेकी के अंदर, वॉयलेट फ्लेम रेकी, जैसे कि हमने पहले भी क्लास में बात करी थी कि डॉक्टर मिका ओल्सी ने जो हमारे को रेकी दिया है, जिसके हम 5 लेवल्स करते हैं, जो मास्टर्स होते हैं जो 5 लेवल्स कर लेते हैं, उसके बाद जो मेडिटेशंस वो करते हैं, मेडिटेशंस में अपने खुद के सिंबल्स को बनाते हैं, उनको यूनिवर्स से वो सिंबल्स मिलते हैं, जिसके बिहाफ पर फिर और चीजें बढ़ती जा रही है, न्यू न्यू चीजों की इन्वेंशन होती जा रही है। वॉलेट फ्रेम रेकी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, ये अभी न्यू इन्वेंटेड रेकी है। इसके अंदर जो हमारे सिंबल्स हैं, जैसे हम जब भी हम रेकी सीखते हैं तो पहले हम हमारी प्योरिफिकेशन करते हैं और अपने शुद्धिकरण करते हैं, 21 दिन की पूरी प्रैक्टिस करते हैं, 24 बॉडी पार्ट्स पर पूरा हीलिंग करते हैं। आप सबको मालूम होगा कि हम 24 बॉडी पार्ट्स पर हीलिंग क्यों करते हैं। हम 24 बॉडी पार्ट्स पर हीलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि जब एक बच्चा इस संसार के अंदर आता है तो वो पूरी तरीके से एनर्जाइज होता है, पूरी तरीके से वो एक प्योर सोल होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, आसपास के माहौल से वो आसपास से नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है, या फिर कुछ उसके पास्ट लाइफ के ऐसे कर्मा होते हैं जिसकी वजह से उसके माइंड के अंदर या जो उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीजें चलती रहती हैं और वो नेगेटिविटी का शिकार हो जाता है। और धीरे धीरे जो उसके 24 बॉडी पार्ट जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, जो हमारी एनर्जी के जो सेंटर्स हैं, वहां पर ब्लॉकेजेस आनी शुरू होती है। और जैसे जैसे वो ब्लॉकेजेस आने लगती हैं, वैसे वैसे लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। जब हम रेकी सीखते हैं तो सबसे पहले हम हमारे उन्हीं 24 बॉडी पार्ट्स पे काम करते हैं, उन 24 बॉडी पार्ट्स को एनर्जाइज करते हैं, वहां की ब्लॉकेज को खत्म करते हैं, जिसको हम बोलते हैं शुद्धिकरण हमने किया, 21 दिन का हमने शुद्धिकरण। उसके बाद फिर हम आगे रेकी सीखते हैं, आगे हम और सिंबल सीखते हैं। लेवल 1 में हम सिंबल 1 का अटूनमेंट लेते हैं, लेवल 2 में हम 1, 2, 3 का अटूनमेंट, डिस्टेंस हीलिंग प्लस जो हमारे आगे सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स को हम ऐसे क्लास में तो डिस्कस करते हैं, लेकिन हम ओपन क्लास में ऐसे सिंबल्स को उसके बाद हमारा लेवल 3 आता है, जिसमें हमें मास्टर सिंबल मिलता है, ये सब हम करते हैं। लेकिन जब हम किसी को भी हीलिंग देते हैं तो हम बहुत सारे वहां पे सिंबल्स को यूज करते हैं, बहुत सारे सिंबल्स को सैंडविच बनाकर हम उन सिंबल्स पर काम करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम सिंपल एक सिंबल से ही काम करेंगे। कहीं कहीं पर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम वहां पर यूज करेंगे, नॉर्मली हम एक ही सिंबल को यूज करते हैं और वो बहुत ही फास्ट, मतलब बहुत ही हैवी सिंबल्स होते हैं, बहुत ही पावरफुल सिंबल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें उसके रिजल्ट जल्दी मिलते हैं, फास्ट मिलते हैं और हमारी उसमें एनर्जी भी कम यूज होती है। क्योंकि जब तक हम यहाँ इस लेवल तक पहुंचते हैं, हम लोग सारे मास्टर्स होते हैं, हमें सबको मास्टर सिंबल्स मिल चुका होता है और हम हमारे प्योरिफिकेशन हम कर कर इस लेवल तक पहुंचते हैं, तो ऑलरेडी हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, हम लोगों के जो ऑरास होते हैं वो ऑलरेडी हमारे अच्छे होते हैं, या फिर कभी किसी कार्मिक इश्यूज की वजह से या किसी भी बातों की वजह से अगर किसी कारणवश वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें मालूम होता है कि हमने उसको कैसे बैलेंस करना है, कैसे ठीक करना है, कैसे सही करना है, तो हम वहां पर उस चीज को बैलेंस कर लेते हैं।